बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिस नाज़िया एक बार फिर आपके साथ आपको उर्दू पढ़ाने जमात अव्वल में आई हूँ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? चलें जी, ठीक है। सबसे पहले हम अयादा कर लेते हैं, हमने पिछली जमात में क्या पढ़ा था। तो जनाब, पिछली जमात में हमने जोड़ के तोड़ किए थे, यानी अल्फाज को हरूफ की शक्ल में तोड़ा था। एक लफ्ज़ को हरूफ की शक्ल में तोड़ कर लिखना तोड़ कहलाता है। आज हम जमात में हरूफ तहज्जी की भारी अशकाल लिखना पढ़ना सीखेंगे और उनकी भारी आवाज़ों से आशना होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, खेलो, पढ़ो, सीखो, बढ़ो, यानी खेलें भी, पढ़ें भी, सीखें और फिर आगे बढ़ें। देखें, इन सब में भारिश काल का इस्तेमाल हुआ है। हरूफ तहज्जी में 15 हरूफ ऐसे हैं जिनकी भारिश काल होती हैं, बाकी सब हरूफ जो हैं उनकी भारी शक्ल नहीं होती। भारी शक्ल को दो चश्मी हे भी कहते हैं। तो आइए पहले हम हरूफ पढ़ते हैं, फिर उनकी भारी शक्ल से मिलेंगे और उनसे अल्फाज बनाना सीखेंगे। ब, प, त, ट। ब, भ, प। ये देखें, प, प के साथ जब ह मिला तो फ, थ, ठ। अब हम इनसे अल्फाज बनाते हैं। भारी अशकाल से किस तरह अल्फाज बनेंगे, देखिए। ब, ह, भ, भालू। फ, फूल। थ, थैला, जिसमें अब्बू जान सब्जी भी लाते हैं। ठ, ठेला, सब्जी का ठेला, फलों का ठेला। ज, च, द, ड, र, ड। इनकी बारिश काल से अब हम मिलते हैं जी। झ, छ, ध, ढ, र, ड। अब हम इन हरूफ से अल्फाज बनाना सीखेंगे। झ, झूला, जो सब झूलते हैं, मज़ा आता है ना पार्क में। छ, छतरी, बारिश में इस्तेमाल करते हैं। ध, धनक, बारिश के बाद आसमान पे 7 रंग की धनक होती है, जिसे हम रेनबो भी कहते हैं। ढ, ढोल। र, रहबर। ड, ड से कोई लफ्ज़ शुरू से नहीं बनता, ये देखें, ये बीच में इस्तेमाल हुआ है। बुढ़िया, बूढ़ी औरत को कहते हैं। क, ग, ल, म, न। इनकी बारिश काल देखिए। ख, घ, ला की कौन सी होगी? ल, मीम की, म की, म, न। अब इनसे अल्फाज बनाते हैं। ख, खीर, मज़े मज़े की। घ, घोड़ा। ल, देखिए, ला से भी कोई लफ्ज़ शुरू से नहीं बनता। चूल्हा, ये भी देखें, दरमियान में इस्तेमाल हुआ है। मीम से मह, माँ से कोई लफ्ज़ नहीं बनता। नून, न, नन्नी, नन्नी परी। तो घर का काम आपको मैं दे रही हूँ, दिए गए अल्फाज की भारिश काल लिखें। ब, च, र, क, ग, प, यानी भ, छ, र, ख, ग, फ। इन अल्फाज की आपने भारिश काल लिखनी है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।